वन शक्ति के वनांचल क्षेत्र ऋषभ तीर्थ में संचालित श्याम शिक्षा महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों को नॉन अटेंडिंग क्लास की सुविधा देकर शिक्षा को व्यापार बना चुका है, क्योंकि इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले अधिकतर छात्र छात्राएं नॉन अटेंडिंग क्लास की सुविधा लेते हैं, जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन छात्र छात्राओं को मोटी फीस भी वसूलता है। इस नॉन अटेंडिंग क्लास की सुविधा का खुलासा खुद महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ने किया। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग अगर इस महाविद्यालय की औचक निरीक्षण करे तो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति या नॉन अटेंडिंग क्लास के मामले में कई खुलासे भी हो सकते हैं। मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ बीएड, मतलब मैं पढ़ाई करता हूँ बीएड का, और प्रशिक्षण है मेरा 14 तारीख से 19 नवंबर तक। किस स्कूल में प्रशिक्षण हो गया? ये प्रशिक्षण हो रहा है मोहगांव हाई स्कूल, मतलब प्राइमरी स्कूल। आगे प्राइमरी मिडिल में है, मिडिल में। यहाँ कितने और लोगों की प्रशिक्षण आप बता सकते हैं? इसमें करीबन 7 से 8 होंगे सर, हम लोग कंफर्म नहीं देखे हैं, हम लोग को भेजा गया, हम लोग आ गए। सर मेरा नाम रितु जायसवाल है, बीएड अंतिम वर्ष की छात्रा अध्यापिका हूँ, श्याम शिक्षा महाविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। यहाँ प्रशिक्षण कब से प्राप्त करें और इस स्कूल का क्या है? इस स्कूल का नाम है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहगांव, और यहाँ मेरा प्रशिक्षण 14 अक्टूबर से 19 नवंबर तक का लगा है सर। कितने लोगों का लगभग यहाँ प्रशिक्षण लगा है सर? रेगुलर में हम लोग का 3 लोग का है, और नॉन रेगुलर में और है सर, उन लोग का लगा है। श्याम शिक्षा महाविद्यालय में बीएड, बीएड और एमएड 3 पाठ्यक्रम संचालित है। आप जो फाइनल ईयर के छात्र हैं जिनको आप प्रशिक्षण पर भेज रहे हैं जी, वो प्रशिक्षण से अनुपस्थित पाए जा रहे हैं क्या? ये तो जिस क्षेत्र में हम महाविद्यालय चला रहे हैं, इस क्षेत्र में हम बच्चों के बहुत अपेक्षाएं नहीं कर सकते कि बच्चे सब तरह उपस्थित दे सके, और खासकर भी वर्तमान में खेती किसानी का कार्य भी चल रहा है, कुछ बच्चे छुट्टी पे हैं और कुछ बच्चे अपने व्यक्तिगत कार्यों के आवेदन देके जाते हैं, ये ऐसी संभावना हो सकती है कुछ बच्चे न पहुंचे।